जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जो विद्यार्थी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे और 2018 से अब तक इंतजार करते चले आ रहे हैं मेरे भाई, तो अब वो आपकी इंतजार की घड़ियां होती हैं समाप्त। आखिर आरआरबी ने आप सभी को एक तोहफा दिया तो है, लेकिन वो छोटा तोहफा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा और बड़ा कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज होके आए, आप जरा समझने का प्रयास करिए। ये नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या ये सच है या झूठ है? तो मैं आप सभी को बता दूं, ये नोटिस वाकई में सच है। मैंने जब ये इसकी जांच पड़ताल कर ली उसी के बाद ही आप सभी के बीच ये वीडियो लेके आ रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जो रोजगार पत्रिका होती है उस रोजगार पत्रिका में ये नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन ऑफिशियल अभी किसी बोर्ड में नहीं आया है, राइट? तो जरा आइए हम इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बोला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। अगर मैं बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि एएलपी की वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी है? एएलपी की। अगर हम बात करें सर, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, एएलपी की वैकेंसी है तो ये लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है। इसका पे बेसिक पे दिया गया है कितना, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया भी दिया गया 18 से 30 वर्ष, ठीक है। एज कब से काउंट की जाएगी, तो एक साथ 2024 से काउंट की जाएगी। 2018 में जब मेरे भाई वैकेंसी आई थी तो उस वैकेंसी में जो एज क्राइटेरिया दिया गया था वो 18 से 28 दिया गया था, लेकिन उस समय दो वर्ष की जैसे ही बच्चों ने डिमांड की, सब चीज कैंपेन चले, तो उसमें क्या हुआ था कि इंक्रीज कर दी गई थी, यानी कि 18 से 30 वर्ष रख दी गई थी इसकी एज क्राइटेरिया। अब क्या हुआ, वही पुराने वाले आधार पर ही इन्होंने एज क्राइटेरिया को रखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि बीच में कोरोना काल रहा है और बहुत लंबे समय से ये वैकेंसी आई हुई है। 2018 अब 2024 आ गया, और वो भी वैकेंसी फरवरी में आई थी, फरवरी में वैकेंसी आई थी, और ये वैकेंसी आपकी अब जनवरी में आ रही है। इसका मतलब ये है कि लंबा समय हो ही चुका है, सीधी सी बात है, तो छूट मिलनी चाहिए कम से कम। अगर मैं पोस्ट की बात करें तो वाकई में पोस्ट बहुत ज्यादा कम है, 5,696 पोस्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट शामिल नहीं है। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो उस नोटिफिकेशन में एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ नोटिफिकेशन आया था, और अभी तक ऐसा ही हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसी आती है, बट इसमें इस बार केवल किसकी पोस्ट दी गई है, ये 5,696 जो पोस्ट दी गई है केवल एएलपी की पोस्ट है, राइट? तो आप इस चीज के लिए परेशान मत होइएगा, पोस्ट कम है, पोस्ट कम है, आपको एक पोस्ट से मतलब है। अपनी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए मेरे दोस्त, और अपनी सफलता के लिए दिन और रात मेहनत करिए। पेपर भी बहुत जल्द कंडक्ट होगा, इस चीज के लिए आप समझ लीजिएगा अभी से, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा अब एक्टिव हो चुका है, आप सभी अच्छे से जानते हो कि चुनावी वर्ष है, राइट? चलिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एएलपी टेक्नीशियन के लिए, मैं आप सभी को जल्दी से बता देता हूं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th आप पास होना चाहिए और आईटीआई होने चाहिए, या बीटेक, या आप क्या है, आईटीआई हो, बीटेक हो, या आप क्या होने चाहिए, डिप्लोमा होल्डर, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह, राइट? अगर मैं उसमें ब्रांच की बात करें तो जैसे मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, केवल सिविल, आप जो सिविल ब्रांच से हैं वो केवल इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और कंप्यूटर साइंस वाले, बाकी सारी लगभग ब्रांच ऐसी होती है जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं कि 2018 में सर टोटल कितनी वैकेंसी आई थी। तो 2018 में टोटल जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आई थी 64,371। 64,371 ये पोस्ट इंक्रीज होने के बाद हुई थी, पहले तो नोटिफिकेशन कम का आया था, 26,000 के आसपास आया था, बट ये बाद में इंक्रीज हो गई थी ये पोस्ट। इसमें एएलपी की टोटल वैकेंसी कितनी थी, 27,795 पोस्ट थी। अगर मैं टेक्नीशियन की बात करें तो 36,576 पोस्ट थी 2018 में टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, और आप लोगों को अगले वीक, हो सकता है 2-1 दिन में ही ऑफिशियल बोर्डों पर ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हर पोस्ट, हर एक बोर्ड में कितनी कितनी वैकेंसी है, राइट? बोर्ड वाइज इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे पटना बोर्ड हुआ, भोपाल हुआ, आपका अजमेर हुआ, या और अदर बोर्ड, यानी कि 21 बोर्ड हैं, हर एक बोर्ड से अपनी अपनी डेटा दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा कि कितनी वैकेंसी किस बोर्ड में है, राइट? तो आपके पास वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन अभी भी आपके पास वो समय है जिसमें आप एक सीट अपनी अच्छे से पक्की कर सकते हो, राइट? तो आप जुड़े रहिए, अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सभी प्रिय विद्यार्थी तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन आ चुका है, 1-2 दिन में ही क्या होगा, 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि बोर्ड पर, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट? नाउ समझ गए मेरी बात को। अब अहम बात क्या है इसमें, यह भी बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें फॉर्म फिल करने की डेट के बारे में भी बोला गया है। फॉर्म फिल करने की अगर मैं डेट के बारे में बात करूं तो इसमें बोला गया है, फॉर्म फिल करने की डेट के बारे में भी बोला गया है कि ये फॉर्म फिल जो आपके हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं, 20 जनवरी से। इसमें लिखा हुआ है कि 20 जनवरी 2024 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 19 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिल होंगे। तो इसका मतलब 2-1 दिन में ऑफिशियल
बोर्ड की वेबसाइट पर आपका आ जाएगा ये नोटिफिकेशन, तो आप लोग लग जाइए और अपनी तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लग जाइए। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, अब आप अपनी तरफ से मेरे भाई 100% दीजिए, जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं और रेलवे में जॉब लेने का जो सपना है वो पूरा कर पाएं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।